हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं वॉक करते करते वीडियो को शुरू कर रही हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज न्यू ईयर का पहला दिन है और मैंने सोचा कि हाँ, थोड़ा वॉक से शुरू किया जाए, थोड़ा हेल्दी लाइक डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज किया जाए, जो सबका होता है आई थिंक, जो कि 1 वीक तक चलता है, फिर वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। देखते हैं कितने दिन तक चलता है। बट अभी फिलहाल मैं वॉक के लिए निकल चुकी हूँ, बहुत ठंडी है। हालांकि उतना सुबह नहीं है, अभी 8 बज रहे हैं, बट स्टिल ठंडी तो है। बस त्रिपुरा में इस बार बहुत ठंडी पड़ रही है, बट मज़ा भी है। मुझे तो ठंडी बहुत पसंद है। लाइक अगर मुझे स्प्रिंग के बाद कुछ पसंद हो तो वो ठंडी है। समर रेन में उतना इन्जॉय नहीं करती। अभी वॉक कर लेती हूँ, होगा ऐसा कि आई हूँ वॉक करने और कर लूँगी टाइम पास, तो मुझे वो नहीं करना, तो बाद में मिलते। और वॉक करके मैं वापस आ गई घर। और क्योंकि आज साल का पहला दिन है तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, तो हमने डिसाइड किया आज हम सर्दियों में बनाएंगे गरम गरम गाजर का हलवा, जिसके लिए मैं यहाँ पे गाजर ग्रेट कर रही हूँ, जो कि बाकी मेरी बहन ने ग्रेट करके दिया। और मैं फिलहाल अभी किचन में जाऊँगी और गाजर का हलवा बनाऊंगी। पहले मैंने ये अमूल का जो 500 ml का पैकेट आता है ना दूध, वो वाला ले लिया है। और अभी इसको हम जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए पकाएंगे। गाढ़ा मीन्स लाइक 500 ml है ना, तो हमें इसका ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें 250 ml तक इसको उबालना है और गाढ़ा करना है, बिकॉज वही अच्छा लगता है गाजर के हलवा में। बिल्कुल प्लेन मिल्क अच्छा नहीं लगता, तो अभी हमने बिठा दिया। A few moments later, भाई साहब ये दूध तो बस उबला ही जा रहा है, गाढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, बट चलो वेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा चीज़ चाहिए खाने को, तो पेशेंस तो चाहिए बहुत। ये मैंने ले लिया है यहाँ पे बहुत सारा आलमंड्स, तो अभी इसको हम करेंगे ग्रेट। घर में काजू है नहीं और मुझे लगता है काजू के बिना भी अच्छा बनता है, तो मुझे काजू अलग से नहीं मंगवाना था, तो आलमंड से बनाएंगे। तो ये अभी मैं ग्रेट करके मिलती हूँ। ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। मैं अच्छा चॉप कर लेती हूँ, है ना, नाइस। अब ये जाएगा हलवे में, अभी नहीं, अभी हम घी में थोड़ा सा घी में फ्राई करके अलग से रख देंगे। तो अभी मैं प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो अभी ये जो बादाम है ना, वो मुझे घी में थोड़ा सा टॉस करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घी ले रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से लाइक बादाम को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लूँगी और फिर अलग से रख दूँगी। फिर अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे फ्राई कर लेंगे। लाइक ऐसा नहीं कि हमें जलाना नहीं है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। ओ भाई गिरो मत, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं दूर नहीं गई, तेरे पास ही हूँ, तो थोड़ा सा सब्र कर जाओ, मत गिर। यहाँ पे मैं अभी मेरा ये जलने ना लगे यार, अभी ठीक है, ज़्यादा हो गया। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही धुआं हो रहा है, तो अभी बस हो चुका है। ओ भाई एडवाइस देने गई थी, खुद ही थोड़ा बहुत मैंने जला दिया था। सब बस बेटा, थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत। और ये एडवाइस देते देते मेरा थोड़ा लग गया था। चलो कोई नहीं, लाइक परफेक्शनिस्ट तो मैं हूँ नहीं, गलती हो जाती है, तो अगर गलती हो भी जाए, अब घबराओ मत, जल्दी से गैस ऑफ कर लो और निकाल लो और थोड़ा सा खा भी लो। और ये आ चुका है हमारा गाजर, थैंक्स टू माय दीदी, उसने ग्रेट करके दे दिया। तो अभी हम घी डालेंगे खूब सारा पैन में, और ये खूब सारा घी मैंने डाल दिया है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी गाजर को वापस से, जब हलवा हो जाएगा लास्ट में मैं थोड़ा और घी ऐड करूँगी, बिकॉज जो घी का स्मेल है वो रहे। तो अभी हम इतने से घी में फ्राई कर लेंगे। और ये गया हमारा सुनहरा गाजर घी में, वाओ मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ऐसे अब सारा जो है डाल दो, आपको चाहिए तो और भी घी डाल सकते हो, पर मैं ज़्यादा घी अवॉइड कर रही हूँ। तो और ये हमने चढ़ाया था 500 ml दूध, अभी लगभग ये 250 ml हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, तो अभी हम कर देंगे गैस को बंद। और अभी जो गाजर है वो धीरे धीरे से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज अब जितना ज़्यादा थोड़ा लाइक लो हीट में पकाते जाओगे गाजर को, उतना ही हलवे के लिए अच्छा है। तो A few moments later, लगभग मैंने
आई थिंक 5 मिनट हो चुका है, मैं अभी अच्छे से भून रही हूँ। बस ये ध्यान रखना है आपको कि गाजर मतलब नीचे से लगना जाए, जल ना जाए। अभी 5 मिनट हो चुका है और मुझे ज़्यादा नहीं भूनना, बिकॉज मुझे उतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाना। और अभी मैं ये जो गाढ़ा मैंने दूध किया था मैं उसमें दे दूँगी। अब चाहो तो कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना था तो मैंने घर में जो जुगाड़ है, देसी जुगाड़, वही इस्तेमाल किया। तो अभी मैं अच्छे से इसको मिलाऊंगी और इसके बाद हम दे देंगे इसमें शुगर। आपको जितना भी मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप दे दो। गुड़ से भी बना सकते हो, बट मुझे अभी गुड़ से बनाना नहीं था, मुझे प्रॉपर चीनी वाला हलवा ही बनाना था, तो मैंने चीनी दे दिया। अब चाहो तो गुड़ दे सकते हो, ब्राउन शुगर दे सकते हो, जो आपकी मर्जी। 2000 years later. और एक बार चीनी दे दिया तो आप थोड़े से केयरफुल रहो, बिकॉज चीनी कैरमलाइज होने के बाद वो पैन में लग जाता है नीचे से, तो आप बिल्कुल चलाते रहो ताकि लगे ना। एंड थोड़ा सा पेशेंस कर लो, थोड़ा सा पेशेंस के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और जब आपका हलवा इस स्टेज में आई थिंक आ जाए, यस ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज में आपको ऐड करना है थोड़ा सा और घी, और ये लास्ट वाला घी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। ज़्यादा मुझे पसंद है, लाइक उतना भी ज़्यादा नहीं, बट मैंने मीडियम पोर्शन से दिया है, चाहो तो कम या ज़्यादा आपके हिसाब से दे सकते हो। और अभी ना ये साइड से, मुझे पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा होगा नहीं, साइड से जो घी है ना उसको, घी को वो छोड़ रहा है ये हलवा, तो ये आई थिंक परफेक्ट टाइम है। आप समझ जाओगे कि गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। One eternity later. और ये रेडी हो गया मेरा गर्मा गर्म हलवा, विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। और एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो नट्स है यहाँ पे नहीं डालूंगी, बिकॉज मैंने बताया था थोड़ा सा लाइक जल गया था, तो मुझे इस हलवे का फ्लेवर नहीं खराब करना, ये ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट है। ये हम खाली मतलब हम अलग से खा लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है और मैं टेस्ट करके आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बना है। सो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारा जो हलवा है गाजर का, विंटर स्पेशल, ऐसे धूप में बैठ के सर्दियों में खाने के लिए तैयार हो चुका है। और अभी ये मैं अकेले नहीं खाने वाली, इसमें से सारा घर में जो फैमिली मेम्बर्स है सबका थोड़ा थोड़ा जाने वाला है। अभी मैं थोड़ा सा लाइक टेस्ट करने के लिए ले रही हूँ, देखते हैं। अपना तारीफ मैं अपना एक खुद ही कर देती हूँ, बिकॉज मेरे घर में और कोई मेरी तारीफ करेगा लगता नहीं है, तो मैं खुद कर देती हूँ। कहा है मेरे हाथ, इतना अच्छा बनाया, मास्टर शेफ को मैंने मात दे दिया है। जोक्स अपार्ट, असल में बहुत अच्छा बना है। तो आप भी ट्राई करना अगर आपको भी विंटर में गाजर का हलवा खाने का शौक है। और ये वीडियो यही तक का है, उससे ज़्यादा मेरी एनर्जी है नहीं। कोशिश करूँगी अगला वीडियो और बड़ा हो, तो आज वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरा गाजर का हलवा और मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप ट्राई करने वाले हो कि नहीं ये ज़रूर बताना। ओके टाटा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।